और हम चाहते हैं कि हमें कहीं ले जाया जाए। कहाँ यार? हमारी टीम बेसब्री से इंतजार करे, वो लद्दाख जाना चाहते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, ले जाएंगे आपको लद्दाख, पर शायद भाई के साथ दिक्कत चल रहा है। कमॉन कमॉन अप्रूव्ड। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी बस थोड़ी देर पहले हमने एक व्लॉग एंड कर दिया और अभी दूसरा स्टार्ट कर दिया। लास्ट व्लॉग में देखा आपने, हम होके आए केरन वैली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ पे पाकिस्तानी लोग देखे हमने, पाकिस्तानी बिल्डिंगें देखी और दूर से पाकिस्तान का हवा नवा देखा हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंपिंग नहीं कर पाए हम, क्योंकि प्लान नहीं था एक्चुअली। तो अभी इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कुछ दिन बाद फिर से आने का, तब हम केरन वैली में कैंपिंग भी करेंगे। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अभी टाइम आ रहा है 7:30 इन द इवनिंग और अभी यहाँ से हमारा घर 90 किलोमीटर दूर और श्रीनगर है 65 लगभग। हाँ 70 किलोमीटर और हमारा घर फिर तो 100 किलोमीटर है अभी हमारा घर। हाँ बराबर 100 किलोमीटर लगभग पहुँचेंगे हम रात के 10:30 से ना। बोल रहा हूँ मैं, आ जाओ मेरे घर भाई। सरोज भाई, सरोज भाई बोल रहा है हमारे घर पे रात को रुको, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई, लेकिन फिर थोड़ा बनवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 3-4 साल बनवाने पड़ेंगे। इसमें क्या तो मैं बोल रहा हूँ, एक तो यखनी चाहिए, रिश्ते चाहिए और कबाब। चलो 3 दिन रख दो भाई, चलो लगाओ घर कॉल। चलो भाई मैं लगाऊंगा। चल लगा दे। अरे यार मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं यार सही में लगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार। तो पागल पागल मजाक कर रहा हूँ। तो देखते हैं यार, नहीं रहे, मैं क्या 10:30 तक पहुंच जाएंगे घर इंशाल्लाह। सोहेब भाई रात को हमारे घर पे रुकेंगे, सरोज भाई बोला अगर आ जाएगा हमारे घर पे। तो अलग ही जगह ले रहे हैं मुझे, मेरे ही घर आ जाए। पहले से का घर आते तो ठीक है, तो चलते हैं जी, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हमारे घर। ये देख लो जी, मैं बोल रहा था श्रीनगर 70 किलोमीटर से, लेकिन नहीं, श्रीनगर 81 है। फिर हमारा घर अभी यहाँ से है लगभग 120 भाई। बापरे, we are 120 kilometers away from our home. bhai fir lagbhag 11 12 baje pahunchenge hum. ye check karo guys, kufara ke khet khoobsurat. kufara nahi hai, langet kisme aata hai? baramula, sorry, baramula ke khet dekhiye guys. khet aur sopor, okay, sopor ke jiske liye sopor famous of course. बगीचे, सेब के बगीचे, राइस फील्ड्स। भाई क्या स्ट्रेट रोड है, ओए होए होए, खूबसूरत खेत। मैं स्पीड कम कर ले यार, 100+ जा रहा है भाई। काम डाउन काम डाउन, वही गाना सुन रहे थे अभी हम, मैं भी काम डाउन, काम डाउन, आहिस्ता चले। चल रहा हूँ आहिस्ता, बोल रहे हैं ये क्या जिमनी 4x4 कर पाती है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी लेवल 2 उधर है भाई, सब ऑडियंस देख रही है हमें, सारी ऑडियंस देख रही है हमें, क्या जिमनी 4x4 कर पाएगी? बिल्कुल तो गाइस अभी ये शूट हो रहा है जी, पिछले फ्रेम के लगभग कितने टाइम बाद, 1-2 घंटा बाद। हाँ 1-2 घंटा बाद। अभी इट्स 9:23 और अब हम पहुँचे हैं जी श्रीनगर। सरोज भाई को हमने ड्रॉप कर दिया HMT और अब हमारा घर तक का सफ़र है 40 किलोमीटर्स तक का सफ़र है। पहुँचेंगे 10:30 तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। बस रास्ते में कुछ खाने के लिए उठाते हैं पहले यार, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया है और राजमा चावल के अलावा, तो सामने को उठाते हैं, मंजू मंजू देखते हैं जो मिलेगा, एंड डायरेक्ट घर चलते हैं। बाकी सोहेब भाई मज़ा कितना है आपको सच सच बताएं, आज मज़ा आया बताया ना, मज़ा बहुत आया भाई यार, क्या ना है। ये शायद बारबेक्यू वाला मिल गया हमें, यस भाई किस्मत चमक गई यार। अब अवेलेबल होना चाहिए इसके पास, पूछ अवेलेबल है भाई। तुझीशा तुझीशा, यस थैंक यू सर, शुक्रिया भाई। लाओ प्लेट लेके आओ, प्लेट लेके आओ। बिस्मिल्लाह, चटनी। And guys, we are back to our sweet, sweet home.
फाइनली रात के कितने बजे 10:26 वही जो बोला था मैंने 10:30 पहुंच जाएंगे। क्या लाइफ है ना, 6 घंटा पहले हम थे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अभी 6 घंटा बाद वापस अपनी दुनिया में। लाइफ गोज ऑन। चलो जी गेट बंद कर दिया आपने, आ जाओ जी आ जाओ। The next day. हाँ जी दोस्तों, this is the next day. कल घर पहुंच के डायरेक्ट सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, हालत ख़राब हो गई थी, तो डायरेक्ट घर आके हम लेट गए और सो गए। और आज पूरे 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ जी ऑफिस, तो नहा धो के एकदम रेडी हो गया मैं एंड आई एम गुड टू गो। ये मेरा रहा लैपटॉप बैग, ऑफिस बैग, और अभी टाइम आ रहा जी 9:50 इन द मॉर्निंग, तो चलते हैं जी ऑफिस, देखते हैं ऑफिस के क्या हाल चाल है। हमारी टीम भी हमें पता नहीं पहुंच गई, लेकिन चाबी किसके पास है? गाड़ी की हालत देखो, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। इसको वॉश कराएंगे आज, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इसकी, हद से ज़्यादा, अंदर से भी बाहर से भी। तो गाइस निकल पड़ा जी मैं घर से ऑफिस के लिए। मतलब आप में से यार बहुत सारे सोच रहे होंगे कि अभी तो ऐप लॉन्च हुई नहीं तो ऑफिस किस लिए जाते हो आप लोग। तो देखो मैं पूरी टीम को रेडी कर रहा हूँ लॉन्च के लिए, कैसे हमें क्या करना है, हमें किसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हमें मैनेज करनी है चीज़ें, कस्टमर सपोर्ट कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करने हैं, पैकिंग कैसे मैनेज करनी है, किस तरीके से हम कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ें प्लान करनी होती है ताकि जब लॉन्च हो तो एकदम स्मूथ हो। तब अबे निकल भाई यार, ये देखो जी भाई साहब को हथियार लेके जा रही हैं। पहुंच गए जी हम ऑफिस, माशाल्लाह हमारी टीम पहुंच गई है, क्या बात है। यामिन भाई, हेलो। वन इटर्निटी लेटर। यामिन भाई, दर्शकों को बताइए क्या अपडेट है। अपडेट ये है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं माशाल्लाह। और क्या हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं फैसल भाई। और क्या चल रहा है, हम सीख पाए उतना सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख भी रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं अभी, बिल्कुल पूरी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और चाहते हैं कि हमें कहीं ले जाया जाए, कहाँ? लद्दाख। ये देखिए ये चेक करो गाइस, ऊपर से स्टैंप वगैरह लग चुका है इस पर, लद्दाख की जोन। ये देखिए गाइस हमारा प्यारा सा ऑफिस, 2 दिन बड़ा मिस किया मैंने इसको, बट फाइनली वी आर बैक। इसको पनीर बन गई है, वाह भाई वाह, कसम ये गाइस दूध था इसमें, रात को इधर रह गया था, तो अभी देख रहे हो पनीर बन गई है। ये देखो जी क्या बात है सर, इस पे आपकी सीट चाहिए। किस पे? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मेरा स्टैम्प का है जरा, इसमें हाँ है ना, इसमें अप्रूव्ड बट रिजेक्टेड, अप्रूव्ड बट रिजेक्ट, अप्रूव्ड बजट पास किया जाए। लद्दाख वाला प्लान डन हो चुका है, तमाम स्टैम्प्स लग चुके हैं यहाँ पे, मैनेजर का भी लग चुका है, मेरा भी लग चुका है, ऊपर से दस्तखत भी लग चुका है, तो अब बस निकलने की बारी है। पहले बजट पास किया जाए, बिल बनाया जाए एंड निकला जाए, जाएंगे लद्दाख तो जाना यार, लद्दाख जाना ही जाना इंशाल्लाह। बस मैं वेट कर रहा था समर वेकेशंस का ताकि शाहिद भी हमें ज्वाइन कर सके, बट अब देखते हैं यार क्या कुछ प्लान बनता है, बट लद्दाख तो जाना है, लद्दाख जाना है, अपनी जिमनी लेके लद्दाख तो जाना है। तो गाइस अभी ये शूट हो रहा है जी पिछले फ्रेम के लगभग 2-3 घंटा बाद, मैं आ गया जी ऑफिस से घर। ऑफिस में हमने अपडेट वगैरह लिया, सबको काम समझा दिया क्या कुछ करना है, और मैं खुद घर आ गया वापस। और अभी यहाँ पर शाहिद भाई स्कूल से वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत समय बाद क्या, 2 दिन बाद, क्योंकि हम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आज तीसरा दिन है ना, मैं 3 दिन बाद था, क्या बात कर रहे हो आप, 2 दिन बाहर थे लेकिन हम मिले आज। ओके तो बताइए सर कैसा था आपका स्कूल का दिन आज? As usual. बहुत ही बढ़िया। तो अभी फिलहाल हमें करनी है जी गाड़ी वॉश, हम खुद करेंगे गाड़ी वॉश, क्योंकि हमें 400 रुपये बचाना है सर्विस का, तो 400 रुपये बचा के हम खुद यहाँ पे पाइप लगाएंगे और गाड़ी को खुद वॉश करेंगे, पैसा बचाओ गाइस। अरे शाहिद भाई मुझे बताओ वेकेशन का क्या अपडेट है?
एक्सपेक्टेड फ्रॉम 4 जुलाई यार हमारी टीम बेसब्री से इंतजार कर रही है, वो लद्दाख जाना चाहते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, ले जाएंगे आपको लद्दाख, पर शायद बाइक के साथ दिक्कत चल रहा है, वेकेशन नहीं हो रही। क्या कर सकते हैं, कब होगी यार? अब वेकेशन अगर होगी 4 जुलाई को, हाँ एक्सपेक्टेड, फिर उसके बाद तो जा नहीं सकते ना लद्दाख में, फिर उसके बाद ऐप लॉन्च हो जाएगी, फिर तो बिजी लग जाएंगे ना। तो यही अभी के ये 4-5 दिन हमारे लिए फ्री है, बट आपका शायद बता क्या करें, अब इसको घर पे अकेला छोड़ भी नहीं सकते यार। फिर नहीं जाओ, कोई इसको, नहीं इसको नहीं, बहुत नहीं, बुरा लगता है, फिर इसको पे मिस करता है, नहीं, बहुत जाओ, कोई फिर रोता नहीं, रहता है घर पे, तो फिर नहीं, मैं, नहीं, आप जा सकते हैं, जाओ जाओ जाओ। तब मैं सोचता हूँ, देखते हैं कुछ करते हैं। फिलहाल गाड़ी वॉश करते हैं, गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, तबाही मच चुकी है गाड़ी के साथ। ये कर दू नलका ऑन उधर, ये देखिए गाइस वॉशिंग चालू हो चुकी है, मैं टॉवल लेके आता हूँ। ये लो जी, ये देखो, ये मेरी एक जमाने की फेवरेट टी शर्ट थी, इसको घर वालों ने टॉवेल बना दिया है। ये देखो आप जो मेरे बहुत पहले से व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं रोज पहनता था 2-2.5 साल पहले। बच्चा लो गाइस पे यार, ग्लेशियर अच्छा है, यहाँ से पानी डाल यार, डाल गाइस। गाड़ी चमक गई क्या? चमक रही है। उई। प्रेडिक्शन एकदम सही निकली गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ भाई, तो पोपट हो गया यार, तो खुद ही धुल जाती, फिर बारिश से खुद ही धुल जाती, हल्की हल्की हो रही है। ओ भाई, बारिश ऑन फायर, वाओ। हेलो Sister is back from office. How are you? Are you fine? 2 hours later. तो guys, गाड़ी तो wash कर ली थी और अभी यहाँ पे चल रहा है जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच। लेकिन मूड हो गया जी बहुत ज़्यादा खराब, शुरुआत में बहुत सही खेला था इंडिया ने, 4 चौके पड़ गए थे पहले ओवर में, लेकिन अभी गेस करो 38 for 3 wickets, लाइक सीरियसली यार, पता नहीं इनको फाइनल में क्या हो जाता है यार, पूरे टूर्नामेंट में ये अनडिफीटेड रहते हैं, फाइनल में फिर यार पोपट हो जाता है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही, अभी भी यही। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि किंग कोहली अभी स्ट्राइक पे है, खेल रहा है अभी, वो अभी बचा है, लेट्स सी क्या होता है मैच का। ऐड आ गया जी, चलो तब तक हम अपना ऐड पूरा करते हैं, पपाया एंड मैंगो। कम ऑन Come on. Yes. Oh, shit. Out. Yes. तो गाइस इंडिया जीत चुका है वर्ल्ड कप, बहुत ज्यादा मजा आया मैच देखने में, एकदम वो वन साइडेड गेम नहीं था, तब मजा नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड नहीं था, एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था, तो बहुत ज्यादा मजा आया, इट वॉज सुपर फन। और अभी इंडिया जीत चुका है वर्ल्ड कप जो भी, और अभी मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अगर आपको ब्लॉग पसंद है फॉर स्टोरी सेंग लाइक, आई विल यू सो मच, दैट इज देन, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय. I would talk about his check.